तुम भी अजीब आदमी यार प्रताप, मिलने के लिए भी बुलाया तो यहाँ पुलिस स्टेशन में। अच्छा एक बात बताना, तुम मेरी शादी पर क्यों नहीं आए? अब छोड़ो भी पूजा, कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। जरूरी काम? आपको मालूम है इस आदमी को मैं पिछले 20 साल से जानती हूँ, तब से जब हम दोनों अनाथालय में साथ साथ थे। पूरी दुनिया में एक ये ही आदमी है जो मेरा दोस्त है, और आप कहते कि इसके पास मेरी शादी में आने का टाइम नहीं है। आई एम सॉरी पूजा, पर तुम्हारी शादी इतनी अचानक हुई कि मुझे छुट्टी लेने का मौका ही नहीं मिला। ओह आई सी, तो पुलिस में एक हफ्ते की भी छुट्टी नहीं मिलती? नहीं नहीं पूजा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल पिछले 2 महीनों से मैं एक ही केस में उलझा हुआ। हमारे एक इंस्पेक्टर 3 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव गए थे और तब से लापता है। लापता? हाँ, बस इतना ही पता चल सका है कि आखिरी बार उन्हें भवानीपुर शहर के आसपास कहीं देखा गया। भवानीपुर? हम भी तो वहीं जा रहे हैं, ये वहीं रहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आपको उनके बारे में कुछ पता चल जाए तो प्लीज हमें खबर दीजिएगा। उनका नाम है इंस्पेक्टर आनंद। ये देखिए, हमने भवानीपुर के लोगों से काफी पूछताछ की, पर ना जाने क्यों वहां के लोग हमसे बात करने से भी कतराते हैं। शायद आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो हम नहीं जानते। निकले ना पक्के पुलिस वाले तुम, हम यहाँ किस लिए आए वो तो भूल ही गए और लग गए अपने कामों के चक्कर में। नहीं नहीं पूजा, ऐसी कोई बात नहीं। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई। जैसी शादी की तस्वीरें आ जाए मुझे जरूर भेजना। और हाँ, आनंद के बारे में अगर कुछ पता चले मुझे जरूर खबर देना। जाओ तुम। तो पूजा, शहर तो तुमने देख लिया, अब मेरा घर भी देख लो। ये है मेरा घर। सच? आपका घर उतना ही खूबसूरत है जितना ये भवानीपुर शहर। चलो अंदर चले। पर दारा ये सब क्या है? आज फिर सामने भी तो नहीं आता। कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है। मैं अभी नौकरों को बुलवा कर ही सब साफ कर दूंगा। अश्विन विनय, क्या करते रहते हो तुम लोग? कुछ नहीं बताएगा वो, कुछ नहीं बताएगा वो। कौन है तुम? और तुमने तो शराब पी रखी है। हाँ शराब पी रखी है, ऐसी जगह पर तो कोई शराब पी कर ही जिंदा रह सकता है। ये सब मैंने ही किया है, मैंने किया ये सब। क्यों? यहाँ से बुरे साय को दूर भगाने के लिए। बुरे साय? मगर दारा के सामने कुछ चलता ही नहीं। दारा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। दारा एक शैतान है, शैतान। उसने बहुत से लोगों को जान से मारा है। बकवास मत करो, मेरी बात का यकीन करो। तुम तो दारा को अब भी मिली हो। मैं दारा को 50 सालों से जानता हूँ। 50 साल? हाँ 50 साल। लेकिन दारा तो मुश्किल से 30-35 साल का होगा। दारा की उम्र कम से कम 200 साल है। हाँ। पूजा, किससे बात कर रही थी? वो एक पागल शराबी। पहले तो मैं डर गई, लेकिन आप के बारे में बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था कि आप एक शैतान है,
साल से भी ज्यादा की है। जा देखो उसे। देखो पूजा, यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते, जलते हैं मुझसे, मैं उनसे मिलता जुलता नहीं हूं ना, इसलिए मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाते रहते हैं। तुम उस पागल बुड्ढे की बातों का कहीं यकीन मत कर लेना, दोबारा कहीं नजर आए तो बताना मुझे, मैं खबर लूंगा उसकी। रिलैक्स पूछा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, चलो मुस्कुराओ। देखो पूजा, ये जो आसपास की जमीन है ये सारी की सारी मेरी है, तुम कहीं भी जा सकती हो, कहीं भी, बस एक जगह को छोड़ दे। वो कौन सी? वो आउट हाउस। ये मेरा आउट हाउस है पूजा, और इसके अंदर जाना सबके लिए मना है, नौकरों के लिए भी और तुम्हारे लिए। ठीक है, लेकिन अंदर है क्या? अंदर मेरा प्राइवेट ऑफिस है जहां मैं काम करता हूँ, इसे सिर्फ मैं खोलता हूँ। ये देखो, चाबी हमेशा अपने पास रखता हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पूजा की कोई यहाँ आए और मुझे तंग करे। मैं अक्सर यहाँ आधी रात को भी आ जाता हूँ काम करने के लिए। हो सकता है कभी कभी यहाँ से तुम्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई, लेकिन तुम परेशान बिल्कुल मत हो और अंदर आने की कोशिश बिल्कुल मत करो। वादा करो कि तुम ऐसा ही करो। पूजा, ये सब लोग मेरे लिए काम करते हैं। ये अश्विन है, ये विनय है, ये आशा है। विनय, तुम यहाँ कब से हो? मैं कब से? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं मालूम? खैर छोड़ो। ये आशा है। और तुम आशा, तुम यहाँ कब से हो? मैं यहाँ पर खैर छोड़ो, इससे पहले का काम करती थी। पहले मुझे याद नहीं। अब जाने भी दो पूजा, यहाँ बहुत सालों से काम कर रही हूँ, बाकी लोगों से। ये रोहित है और ये है ये तो आनंद है। क्या मुखबात है? आ जाए। नहीं, ये आनंद है, इंस्पेक्टर आनंद, जिसके बारे में प्रताप कह रहे थे, जो इस शहर में आकर नाम बता होगा। हो ही नहीं सकता पूजा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ये अजय है और पिछले दो सालों से यहाँ काम कर रहा है। क्यों अजय? हाँ, मैं अजय हूँ, पिछले दो सालों से यहीं पर काम कर रहा हूँ। मैं अजय हूँ। कैसे हो सकता? एक मिनट, मेरे पास उसके फोटोग्राफ है। अरे कहाँ है? यहीं पर तो रखी थी। यार, तुम वो फोटोग्राफ पुलिस स्टेशन छोड़ आई होगी, मैंने देखी थी वो फोटो। इसकी और उस इंस्पेक्टर की शक्ल आपस में मिलती है, लेकिन ये वो नहीं है। और फिर ये खुद कह रहा है कि अजय है। क्यों अजय? मैं अजय हूँ। बकरी कैसे हो सकते? बकर कैसे? और ये लोग, इनको क्या हुआ है? बहुत देखे, बहुत अजीब सा लग रहा है। जाओ तुम लोग जाओ। जैसे जैसे ये सब मशीन हो। लाश कल रात को यहां लाई गई होगी। कातिल लाश को यहां लाया, फिर उसने इसे जलाना चाहा। शायद वो कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता था, पर वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका।
ये लाश पूरी तरह जली नहीं। कोई गवाह? नहीं सर। सर आप तो जानते हैं सर, ये इलाका बिल्कुल सुनसान है। और जो शहर यहां से सबसे नजदीक है वो भी यहां से पूरे 20 किलोमीटर की दूरी पर है। भवानी, आनंद भवानीपुर से ही लापता हुआ था और ये लाश भवानीपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर। इसका मतलब है कि सर, सर ये लाश से 100 मीटर की दूरी पर मिला था। शायद इसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक हो। सर लगता है ये कांच की बोतल का टुकड़ा है। इस पर ये AMA ऐसा कि आनंद। यस सर। ANANDT ऐसी बदबू आ रही है इस टुकड़े से। ये क्या हो सकता है? पानी जैसा ये बदबू। इस पर ये आनंद के नाम का लेबल क्यों है? क्या बात है डॉक्टर? मैं पिछले 6 घंटों से यहां एक मामूली सी रिपोर्ट के लिए इंतजार कर रहा हूं और आप हैं कि कुछ बताते ही नहीं। इंस्पेक्टर प्रताप, ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। हम लोगों को अभी भी कुछ पता नहीं चल सका है, इसलिए हम लोगों ने 2 और बड़े डॉक्टरों को बुलाया है। क्यों? आनंद की मौत जलने से हुई है ना? आनंद की मौत जलने से नहीं हुई, उसे मरने के बाद जलाया गया है। मरने के बाद? तो फिर वो मरा कैसे? उसे बहुत बड़ा धक्का लगा था, उसकी मौत शॉक से हुई है। शॉक? आपका मतलब है दिल का दौरा? का दौरा हो सकता है, मगर 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 क्या डॉक्टर? दिल का दौरा तब होगा ना जब दिल होगा, मगर जब शरीर में दिल ही नहीं होगा तो दिल का दौरा पड़ेगा कैसे? दिल ही नहीं है? आप कहना चाहते हैं कि किसी ने आनंद के शरीर से उसका दिल निकाल दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? मुझे तो लगता है कि इसके शरीर में कभी दिल था ही नहीं। क्या? देखो देखो, किसी ने यहां से दिल निकाला है तो यहां कोई निशान या घाव होना चाहिए था, मगर यहां कुछ भी नहीं है। देखो तुम खुद अपनी आंखों से देखो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बिना दिल के एक इंसान जिंदा कैसे रह सकता है? हम खुद नहीं समझ पा रहे, इसलिए तो रिपोर्ट देने में देर हो रही है। अच्छा, वो मैंने आपको आपको एक कांच का टुकड़ा दिया था, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ था पानी जैसा, वो क्या था? ये एक ऐसा केमिकल है जो अस्पतालों वगैरह में काम आता है, जिसमें हम शरीर के कुछ भागों को जैसे किडनी, आंखें या फिर दिल संभाल कर महीनों तक रख सकते हैं। आइए मैडम, क्या चाहिए आपको? जी मुझे ये फिल्म डेवलप करवानी है। अच्छा, लगता है आप इस शहर में नहीं आई हैं, पहले कभी नहीं देखा आपको। जी हाँ, मैं भवानीपुर शहर से आई हूँ। दरअसल आना तो मेरे पति को था लेकिन वो भूल गए, तो मैंने सोचा इसी बहाने आपका शहर भी देख लूंगी और फोटोज भी डेवलप करवा लूंगी। वो फोटोज कितनी बड़ी चाहिए मैडम आपको? असल में ये मेरी शादी की फोटोग्राफ है। वैसे बनवानी तो पोस्टकार्ड साइज है, लेकिन एक फोटो मुझे बहुत बड़ी बनवानी है, बड़े फ्रेम के लिए। चलिए मैं आपको साइज दिखा देता हूँ। ये साइज, ये नहीं, ये आप समझे नहीं, बड़ी बड़े फ्रेम के लिए चाहिए। इससे भी बड़ी चाहिए आपको? बड़ी बड़ी बड़ी, इससे भी बड़ी। Thank you.
ये चलेगी मैडम? ये तो आशा है, मेरे घर की नौकरानी। नौकरानी? नहीं मैडम, ये तो बहुत बड़े घराने से। मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरी नौकरानी है। ये हो ही नहीं सकता मैडम, ये क्यों नौकरानी बनेगी? इसकी शादी तो भवानीपुर के बहुत बड़े आदमी से हुई है, दारा से। वैसे वो बहुत दुष्ट आदमी है, उसके बारे में सुना है कि वो शैतान है और बहुत खतरनाक आदमी है वो। दारा? हाँ दारा। ये एक साल पहले दारा का फोटो लेने के लिए आई थी, उसके बाद नहीं आई। अब भगवान जाने जिंदा है या मर गई। वैसे दारा का कोई भरोसा नहीं है। दारा मेरे पति है। हैं? आपके पति है? हाँ, और आशा मेरी नौकरानी। मैडम जो मैंने आपसे कहा, भगवान के लिए अपने पति को मत बताइए। पर आप अभी ये क्या कह रहे थे कि आशा दारा की पत्नी है और दारा एक शैतान? मैडम मैं तो बकवास कर रहा था, मैं तो पागल था। मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए, यकीन मत कीजिए। मैडम प्लीज, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा अपने पति को मत बताइएगा मैडम प्लीज। ये सब बकवास की उस फोटोग्राफर ने। मैं वही कह रही हूँ जो उसने मुझे कहा। उसने कहा कि आशा आपकी पत्नी है। कौन बोलता है? मैंने उसकी तस्वीर अपनी आंखों से देखी। अगर वो फोटोग्राफर झूठ बोल रहा है तो उसकी तस्वीर वहां पर क्या कर रही है? सच सच बताओ, सच सच बताओ, तुम्हारा आशा के साथ क्या रिश्ता है और कौन है ये? बताता हूं, जानना चाहती हूं। ठीक है। आशा, 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 मुझे आपको बताओ मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं पत्नी, नौकरानी, पत्नी। किसी ने पूजा से कहा है कि तुम मेरी नौकरानी नहीं हो, पत्नी हो। अब तुम इसे सच सच बताओ कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, नौकरानी। मैं पत्नी नहीं हूँ, नौकरानी हूँ। मैं पत्नी नहीं हूँ, नौकरानी हूँ। अब तो यकीन हुआ? अगर ये मेरी पत्नी है तो अपने आप को नौकरानी क्यों कहती है, बोल? मगर उस फोटोग्राफी ने ऐसा क्यों कहा? मैंने तुम्हें बताया था ना पूजा, कि यहाँ के लोग मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाते रहते हैं। मैं खुद चलूंगा कल तुम्हारे साथ फोटोग्राफर के पास, फिर देखता हूँ वो क्या कहता है। कौन है भाई, कौन है? अरे डाक रूम में कौन चला रहा है? हाँ देखो कौन तुम, कौन है भैया? दुकान बंद हो चुकी, देखिए। कौन है तुम? हाँ अरे कौन है भाई ये? दारा, दारा साहब। बहुत एक बार और बोलेगा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। ये क्या आपके हाथ में? मेरा नाम कार्तिक है। ये देख, तेरे नाम का लेबल लगा हुआ है। दार साहब पीछे पीछे, दर साहब पीछे, आप मेरे पास मत आइए। दर साहब मेरे पास मत आइए, दर साहब वरना, दर साहब वरना क्या कर लेगा? देखिए दर साहब मेरे पास मत आइए, देखिए वरना क्या कर लेगा तू? देखिए दर साहब मुझे माफ कर दीजिए दर साहब। शक्ति, और शक्ति, और शक्ति, और शक्ति। दिल चाहिए मुझे तेरा।
आप मेरे मालिक हो, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। भी हो जाए यहां मत आना, मुझे परेशान मत करना, तब जाकर सो जा। फोटोग्राफर का दिल निकालने में मेरी शक्ति खत्म हो गई है, मुझे अपनी शक्ति वापस लेनी होगी। अभी तक यहीं खड़ी, मैंने तुमसे कहा था ना जाकर सो जाओ। मुझे आपकी चिंता हो रही थी, आपको बहुत चोट लगी थी ना। आपके जख्म कहाँ गए? कौन से जख्म? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर अब यहाँ तो निशान भी नहीं है। अरे बाबा कुछ नहीं था, एक मामूली सी चोट थी, वो मैंने अपने आप ठीक कर ली। अब तुम परेशान मत हो, चलकर सो जाओ, सुबह उस फोटोग्राफर से मिलने चलते। दारा साहब, मैंने आपके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। ये आदमी झूठ बोल रहा है, कल इसने मुझे कहा था कि आपकी शादी आशा के साथ हुई है, और इसने मुझे फोटो भी दिखाई थी। आपको विश्वास नहीं होता ना, आप देख लीजिए यहीं पर पड़ी है। कहीं तुम फोटो की बात कर रही? हाँ यही फोटो है। पूजा तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये आदमी जरूर झूठ बोल रहा है, इसने आशा की फोटो बदल दी है। देखो मुझे नहीं पता तुमने कल क्या देखा और क्या नहीं देखा, लेकिन मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है, मुझे बहुत जरूरी काम है, तो मैं घर छोड़ दूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। को नहीं जानता, आज से पहले तुम कभी मेरी दुकान पर नहीं आए। सुनिए सुनिए सुनिए, तुम फिर वापस आ गए अश्विन, विनय, उन्हें मत बुलाइए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मदद? हाँ
हाँ मदद, मैं दारा को पिछले 50 साल से जानता हूँ, जब वो अफ्रीका में था। वो भी अफ्रीका में? तब मैं बहुत छोटा था। मेरे पिताजी दारा की मिल में काम करते थे। उस समय भी लोग यही कहते थे कि दारा काला जादू करता है, जिससे वो अपनी मिल में काम करने वाले लोगों को वश में कर लेता है। हाँ, और जब लोगों का शक बढ़ने लगा तो न जाने कैसे अचानक मिल में आग लग गई, जिसमें मिल में काम करने वाले सारे मारे गए। सारी लाशें जली हुई मिली, सिवाय एक की। जानती हो उस लाश में क्या था? उस लाश में दिल था ही नहीं, और उसके बाद दारा गायब हो गया। फिर अचानक मैंने दारा को इस शहर में देखा। मैंने सबको सावधान करने की कोशिश की, मगर किसी ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। फिर मैंने जाकर एक पुलिस वाले को यह सब बताया, आनंद, इंस्पेक्टर आनंद को। इसके बाद अचानक इंस्पेक्टर आनंद भी गायब हो गया। जरूर दारा ने उसे भी कुछ कर दिया होगा। ये सब कैसे हो सकता है? दारा ये सब कैसे कर सकता है? दारा सब कुछ कर सकता है, उसके पास सब कुछ करने की शक्ति है, और उसकी इस शक्ति का राज है इस ऑफिस के अंदर। एक चाबी तो हमेशा दारा के गले में रहती है, मगर कहीं ना कहीं दूसरी चाबी जरूर रखी है। आज रात दारा घर पर नहीं, मुझे वो चाबी ढूंढनी होगी, आज रात को ही ढूंढनी होगी। शायद यहाँ हो। यहाँ भी नहीं है। कहाँ रखी होगी उसने चाबी? हो ना हो इसी कमरे में होगी। शक से ही निकला, अजय ही आनंद है। मर गए, 20 लाशें मिली जिनमें दिल नहीं था। ये फोटो तारा की, तारा को 90 साल पहले भी वैसा ही दिखता था जैसे आज। इसका मतलब वो आदमी झूठ नहीं कह रहा था कि तारा की उम्र 200 साल से भी ज्यादा की हो सकती है। क्या ढूंढ रही हो पूजा? तुम्हें कहीं इसकी तलाश तो नहीं? ये चाबी हमेशा मेरे पास है। मैं तो पेपर ढूंढती थी। अच्छा, पेपर दूसरी ड्रॉवर में। Thank you.
कितनी बेतों की बातें कर रही हो पूजा, तुम ठीक तो हो? मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकती प्रताप, लेकिन मेरा यकीन मानो आनंद की मौत के पीछे दारा का ही हाथ है। तुम यहाँ जल्द से जल्द आ जाओ। पूजा, अगर तुम्हारे सिवा किसी और ने ये बात की होती तो शायद मैं उसका यकीन ना करता, मगर तुम कह रही हो तो अच्छा। तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम कुछ मत करना, मैं खुद वहां आकर इस केस की छानबीन करूंगा। क्या मतलब? देखो तारा को तुम पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए। मैं वहां जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे वहां पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाएगी। तुम मेरी बात याद रखना, ऐसा कुछ मत करना जिससे तारा को तुम पर शक हो। चले फोन रखती, तारा यहाँ कभी भी वापस आ। इंस्पेक्टर प्रताप, तेरे आने से पहले ही मैं पूजा को काबू में कर लूंगा। क्या कर रहा था मैं? तो खड़ा खड़ा तुम्हारी इस भोली भाली सूरत को देख रहा था। ओ इंस्पेक्टर प्रताप, शुक्र है आप आ गए। अब आप ही समझाइए इसे, मेरी तो बात ही नहीं सुनती। आप पुराने दोस्त हैं इसके, शायद आपकी बात सुनेंगे। प्रताप इसकी बातों में मत आना, ये मुझे मारना चाहता था। तुम्हें मारना चाहता था? देखिए कैसी बातें कर रही है, बोला मैं क्यों इसे मारना चाहूँ? मुझे तो लगता है इंस्पेक्टर ये पागल हो गया। सच कह रहा हूँ, बात बात पर मुझसे लड़ने लगती है, चीखने लगती है। अभी अचानक घर से भागने लगी तो मैंने इन दोनों को इसके पीछे भेजा, कहीं गिर जाती, चोट वोट लग जाती तो। नहीं प्रताप, पागल मैं नहीं, पागल ये हो गए। ये बहुत ही खतरनाक हाथी है प्रताप, तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना? आ, आ, मेरे साथ चलो। देख लिया ना पूजा, याद ही बाकी। डॉक्टर प्रताप अब तो आपको तसल्ली हो गई, कोई और जगह बची हो तो प्लीज वो भी देख लीजिए। सर मैंने सभी नौकरों से पूछताछ कर ली है, उन सभी लोगों का यही कहना है कि उन लोगों ने आनंद या आनंद जैसे किसी भी आदमी को यहाँ कभी नहीं देखा। देखो पूजा, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला और फिर सारे के सारे नौकर झूठ क्यों बोलेंगे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा यकीन मानो प्रताप, जरूर इसका मालूम चल गया कि तुम यहाँ आने वाले और इसे सारे सबूत मिटा दिए। हम बाहर औरठान में जाके देखेंगे, जरूर इसके सारे राज वहीं पर छुपे हुए। चलो चलो मेरे साथ।
ना कोई राज मिला। ये क्या है? ये तेल है। कई बार यहाँ लाइट चली जाती है तो लालटेन जलाना पड़ता है। मेरा यकीन करो प्रताप, इसी जगह पर आने के बाद उसके साथ आप ठीक हो गए थे। अब बस नहीं करो पूजा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनिए पर कुछ भी साबित नहीं होता। साहब आप तुम्हें माफ कीजिए, हमने बेकार में आपको बहुत तकलीफ दी। अरे कोई बात नहीं। I'm sorry. प्रताप, तुम मेरा यकीन करो या ना करो, लेकिन अब मैं इस खूनी के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो। इंस्पेक्टर प्रताप, मैं सोच रहा था आप लोग इतनी दूर से आए हैं, बहुत थक गए होंगे। आज रात यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाइए। शायद आप ठीक कह रहे हैं, रात काफी हो चुकी है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। पूजा तुम घबराओ मत, मैं आज रात यहीं इसी घर में। क्या हुक्म है हमारे लिए सर? वो दोनों पुलिस वाले सो गए। जी सर। तुम लोग आउट हाउस में जाओ, सारा सामान वापस आ, बिल्कुल वैसे जैसे पहले था। अगर ये काम जल्दी नहीं हुआ तो मेरी शक्ति वापस जा सकती है। जल्दी जाओ। जी सर। मुझे तो पहले ही तुम पर शक हो गया था। मैं जानता था यह सब तुम्हारा ही काम है, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। रुक जाओ दारा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आज तक नहीं। रुक जाओ दारा वरना मैं गोली मार दूंगा। नहीं बिगाड़ सकता। रुक जाओ दारा। जानता है कि मेरे जख्म अपने आप ठीक हो जाते हैं, फिर भी मुझे गोली मारने चला था। अब मैं तुझे ही मारूंगा, पहले तेरा दिल निकाल दूंगा, उसके बाद पूजा का। शक्ति दो। Thank you.
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।